खबर मंदसौर जिले के शामगढ़ से। शिवसेना शामगढ़ द्वारा मीनाताई ठाकरे की पुण्यतिथि पर शिव सैनिकों द्वारा शिवाजी कॉम्प्लेक्स शामगढ़ पर एकत्रित होकर चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि भेंट की गई। उसके बाद शासकीय अस्पताल जाकर फल व बिस्किट वितरित किए गए। उसके बाद शिव सैनिकों ने शामगढ़ बस स्टैंड पर पाकिस्तान में हुए ननकाना साहिब में सिखों के ऊपर हमले के विरोध में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला जलाकर पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का विरोध किया। भारत सरकार से भी यह मांग की कि पाकिस्तान में जो हिंदू व सिख परिवार वहां रह रहे हैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम वे करवाएं या फिर उन्हें वहाँ से यहाँ लाकर भारत में बसाएं, जिससे उनका परिवार भारत में सुरक्षित रह सके। शामगढ़ से संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। ये बैठक मीनाताई ठाकरे साहब के पुण्यतिथि मनाने के लिए की गई। सब क्या उद्देश्य आपका है? ये उद्देश्य हमारे शिवसेना के मीनाताई ठाकरे बाला साहब ठाकरे साहब के धर्म पत्नी थे और ये महाराष्ट्र के तौर पे हम मध्य प्रदेश में भी मनाते जा रहे हैं, हर वर्ष मनाते हैं मीनाताई ठाकरे पुण्यतिथि। क्या प्रोग्राम किए जा रहे हैं आज? 6 जनवरी 2020 मीनाताई ठाकरे जी की पुण्यतिथि है, उस अवसर पे हम सब शिवसैनिक भाई इकट्ठे हुए हैं और माँ साहब मीनाताई ठाकरे जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और इसी अवसर पर सभी शिवसैनिक भाई यहाँ पे एकत्रित होकर मीनाताई ठाकरे जी की पुण्यतिथि मनाई और इस कार्यक्रम के पश्चात बस स्टैंड पे पुतला दहन किया जाएगा। इसका पुतला दहन किया इमरान खान का पुतला दहन किया पाकिस्तान के वो उन्होंने बहुत ही अपने हिंदू भाइयों के लिए बहुत गलत चीज़ें बोली है और गुरुद्वारे में भी उन्होंने बहुत अशब्द और बहुत ही अत्याचार और पत्थरबाजी कई मारपीटों अपने भाइयों के साथ किए, इस वजह से इमरान खान पाकिस्तान का पुतला बस स्टैंड पर दहन किया जाएगा। मनोज राव मराठा शिवसेना। अभी हाल फिलहाल जिला भदवारी।